हेलो स्टैन, बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड में प्रीवियस क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल स्ट्रक्चर में इनर मेम्ब्रेन कल्चर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। इनर मेम्ब्रेन कल्चर स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हमें इनर मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में F1 और F0 पार्टिकल जो इनर मेम्ब्रेन की सतह पर होते हैं, क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन जो मॉडिफाइड होकर के क्रिस्टी बनाती है, उस क्रिस्टी की सतह पर एक लोब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से एक स्ट्रक्चर संरचना पाई जाती है। इस संरचना के दो फेज होते हैं। जब ये अगर ये भित्ति है, इस भित्ति के ये संरचना जिसका ये स्टॉक है और इसका ये नॉब है, स्टॉक अंदर दशा रहता है तब ये इसके इस नॉब की संरचना को F1 पार्टिकल कहते हैं और स्टॉक की संरचना को F0 पार्टिकल कहते हैं। दोनों कंडीशन में ये कुछ जैसे ETS सिस्टम को, रिडॉक्स सिस्टम को, ATP सिंथेसिस सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है जब ये F1 पार्टिकल बाहर होता है, नहीं तो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर दशा हुआ रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। ये करीबन 8 to 9 nm नैनोमीटर विड्थ होती है इसकी और ये इसका 4.8 nm इसका होगा स्टॉक होता है ना। ये फ्रीली परमिएबल ओनली टू ऑक्सीजन, CO2 और H2O। ये इसमें सिर्फ ऑक्सीजन जा सकती है, CO2 जा सकता है, H2O जा सकता है। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन्स दैट परफॉर्म रिडक्स रिएक्शन इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ATP सिंथेसिस से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इम्पोर्ट मशीनरी माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन एंड फिशन प्रोटीन, सेवरल एंटी पोर्ट सिस्टम की एग्जिस्ट अलाउ एडजस्ट एक्सचेंज ऑफ एनाइंस बिटवीन साइटोसोल एंड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मींस ये ETS सिस्टम जैसे क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंप्लीट हो गया, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों मिलकर के, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि दोनों मिलकर के एक मोल ग्लूकोज से कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। तो अब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे NAD प्रेजेंट है, FAD प्रेजेंट है, जैसे ATP तो जो है ये ADP जो डायरेक्ट ATP बना हुआ, तो ATP के फॉर्म में एनर्जी यूज हो जाती है, पर जस्ट लाइक NAD बना, FAD बना, इनको ATP में कन्वर्ट करने की जो रिएक्शन होती है जिससे एक NAD से 3 ATP बनेंगे, तो इनको ATP में कन्वर्ट करना है जिससे, जैसा ही आप सबको पता है पूर्व में विदित है कि ATP के रूप में ही एनर्जी डिफरेंट सदियों द्वारा वाइटल एक्टिविटी के लिए कंज्यूम होती है। तो जैसे जस्ट लाइक NAD बना तो उसको ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, FAD बना तो ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इनकी कन्वर्जन की रिएक्शन जो होती है F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल के द्वारा कंप्लीट की जाती है। तो ये इनर सतह पर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है क्रिस्टी में, जो अंदर की तरफ जिसका फेस मैट्रिक्स की तरफ होता है। देन अपन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के जो द्रव्य भरा रहता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कोशिका के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है, केंद्रक के द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रियल द्रव्य या इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इट इज द स्पेस एनक्लोज बाई द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन उसके अंदर फोल्डिंग फॉर्म में रहती है, उसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस में मैट्रिक्स बना रहता है। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्टेंसी होती है इसमें, कंसिस्टेंट होता है, डेंस थोड़ा सघन होता है, डेंस होता है और होमोजेनस में एक ही तरह के पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें DNA पाया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं पाया जाता है। कंटेनिंग 2/3 ऑफ टोटल प्रोटीन ऑफ टोटल माइटोकॉन्ड्रिया का जो टोटल प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में अगर प्रेजेंट होता है उसका 2/3 रेशियो प्रेजेंट होता है इसमें मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में एंजाइम भरे रहते हैं, DNA भरे रहते हैं, जीनोम
होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ट्रांसफर टीआरएनए होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, फाइब्रिल्स होते हैं और ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। क्लियर, ये सारी संरचनाएं इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा मैट्रिक्स की बात करें हम तो ये होते हैं द मैट्रिक्स इज इम्पोर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी में क्योंकि इसमें एटीपी सिंथेसिस एंजाइम जो पाए जाते हैं। मेजर एंजाइम इंक्लूड्स एंजाइम इन्वॉल्व जो प्रोटीन सिंथेसिस में, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन की मेन रिएक्शन इसी में होती है। ऑक्सीडेशन में जो जैसे एसिटाइल को एंजाइम है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इसमें भरे रहते हैं। देन मैट्रिक्स के ऑन होल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो कि एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, कोलोइडल फॉर्म में रहता है, एनसर्कल बाई द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है। कंटेन द सोल्यूबल एंजाइम्स ऑफ द क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के सोल्यूबल एंजाइम्स इसमें भरे रहते हैं। विच इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज द एसिटाइल कोएंजाइम ए को, एसिटाइल कोएंजाइम ए को ये CO2 और H2O में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं और हाइड्रोजन आयंस का निर्माण भी ये करते हैं। हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस द मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD एंड FAD बोथ, विच इज पास ऑन हाइड्रोजन आयंस टू रेस्पिरेटरी और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, वेयर एज ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस टू जनरेट एनर्जी रिच ATP। मीन्स NAD और FAD से जो ETS सिस्टम बनता है जिससे ATP का निर्माण होता है उसका भी स्थल मैट्रिक्स ही कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन इन देयर मैट्रिक्स सिंगल और डबल सर्कुलर, सिंगल या डबल, सिंगल DNA भी हो सकता है, डबल DNA भी, डबल DNA भी होता है और सर्कुलर DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल्स पाया जाता है विच इज कॉल्ड mtDNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, आइदर इट कैन बी से mDNA। इसके अलावा 55S ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको माइट्रो राइबोसोम्स कहा जाता है। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज 10% ऑफ देयर प्रोटीन, अपने प्रोटीन सिंथेसिस जैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है तो जनरली न्यूक्लियस के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया जो अपने फंक्शन के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसमें से 10% एनर्जी खुद प्रोटीन सिंथेसिस करके एक्टिवेट कर लेता है, बना देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस कोशिकाओं कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोग्राम ग्राफ भी हमने डिस्कस किया था, कंप्लीट हुआ। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन या कार्य के लिए बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, ये आप सबको पता है। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है कि इसमें ATP का निर्माण होता है, ऊर्जा ऊर्जा का निर्माण होता है। ATP का निर्माण इसलिए होता है कि जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन होता है और जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। क्लियर, दूसरी बात है कि क्रैब्स चक्र का स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न करना सबसे मुख्य कार्य है। ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है, ऊर्जा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, वायवीय श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में ब्रेक डाउन करता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस, रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, कोशिका की उपापचय क्रियाओं को नियमित करता है। उपापचय क्रियाओं को कैसे नियमित करेगा, श्वसन की क्रिया करता है, मीन श्वसन का स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा कोशिका श्वसन के लिए रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए जिम्मेदार रहता है। तो मेटाबॉलिज्म कैसे रेगुलेट करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शुगर का निर्माण हुआ, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो करता है तो उस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स को, जटिल मॉलिक्यूल्स को दो सरल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है और उससे ऊर्जा लिबरेट होती है और ऊर्जा
डिफरेंट फंक्शंस में, वाइटल एक्टिविटीज में यूज हो जाती है, और जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज हो जाता है तो सेल को वापस फोटोसिंथेसिस करके नए शुगर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना पड़ता है। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल, नई कोशिकाओं की वृद्धि को नियमित करता है, सेल मल्टीप्लीकेशन में यूज करता है, हेल्प टू डीऑक्सीफाइंग अमोनिया इन लीवर सेल, लीवर सेल में अमोनिया को भी डीऑक्सीफाई, अमोनिया के डीऑक्सीफाइंग करने में। इसके अलावा जो भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है उनमें ये यूज होता है। प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस क्या बोलते हैं, सेल डेथ। सेल डेथ कैसे होती है, प्रोग्राम सेल डेथ को एपोप्टोसिस बोलते हैं। सेल डेथ इसलिए होती है कि जब उसमें डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स जो ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, उनको एपोप्टोसिस के थ्रू उनको रिमूव कर देता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड वेरियस हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड सिंथेसिस में ये सब इसका यूज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी, फर्स्ट सिंपलर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन आर सेंड टू माइटोकॉन्ड्रिया टू बी प्रोसेस एंड प्रोड्यूस द चेंज मॉलिक्यूल्स, है ना, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को चेंज करना। दी चार्ज मॉलिक्यूल कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज नाउन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मीन्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं ब्रेकडाउन और जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प टू मेंटेन प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आयन, ये भी अपना प्लीज उसमें स्लाइड में बता देता है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प टू बिल्डिंग सर्टेन पार्ट ऑफ ब्लड, ये भी उसमें हो गया। लीवर सेल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम डिटॉक्सिफाई करता है अमोनिया को। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, एबनॉर्मल डेथ ऑफ द सेल वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कंट्रोल होता है, है ना। एलवी रेस्पिरेशन क्योंकि मैन तो एलवी रेस्पिरेशन ही है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर एबंडेंट इन द सेल देन कंटेन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होती है। सिंथेसिस ऑफ एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आरएनए प्रोटीन, ये इसका काम होता है। ब्रिंग अबाउट जीन एक्सप्रेशन थ्रू द डुप्लीकेट ट्रांसक्रिप्शन और सिंथेसिस 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स इन ह्यूमन, है ना। उसके अलावा एक एक चीज का अगर अपना फंक्शन पढ़ा है तो आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, इलॉन्गेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इनर मेम्ब्रेन का काम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है और यूरिया साइकिल को भी कम्प्लीट स्टोरेज इन कैल्शियम आयंस होता है। अदर फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ हीट, नॉन स्विंग रोल ऑफ एपोप्टोसिस, सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन हो गया, रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, रोल ऑफ इन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में बात करते हैं, जिसको हम डीएनए कहते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट 1% ऑफ टोटल डीएनए, टोटल डीएनए 1% होता है। साइज इसकी एमटी डीएनए ग्रेटर देन प्लांट में बट ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम साइज इज स्मॉल बट जीन वेरी हाई होता है, नंबर हाई होता है। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम साइज ह्यूमन से अपने को मतलब म्यूटेशन एम टी प्रोडक्ट, डी एन ए डबल स्टैंडर्ड नेगेटिव ग्रेनुलर सर्कुलर और सी डी एन ए होता है। एम टी डी एन ए यूज टू स्टडी द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, नए कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करने के लिए भी इनका यूज है। 70 टाइप ऑफ राइबोसोम, इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस बॉडी बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एम डी एन ए। ओके थैंक्स, दैट्स ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड बात करेंगे। दैट्स ऑल।